रूस और यूक्रेन युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दोनों देश अपनी शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इस बीच टर्की के राष्ट्रपति ने यूक्रेन का दौरा कर विवाद को खत्म करने की पहल की है। ये वो दो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव किस कदर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ रूस सैन्य अभ्यास के नाम पर बेलारूस में सुखोई विमान उतार रहा है, तो वही दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका से रक्षात्मक सहायता के नाम पर $200 मिलियन के हथियार हासिल हुए हैं। इन दोनों तस्वीरों से साफ है कि रूस और यूक्रेन दोनों अपने अपने मोर्चे पर अड़े हुए हैं और दोनों देशों के इस विवाद में दुनिया भी दो हिस्सों में बंटती जा रही है। अमेरिका और यूरोप के कई देश खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तो रूस को चीन और बेलारूस जैसे कई देशों का समर्थन हासिल है। इस बीच उम्मीद की एक किरण तुर्की के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात से नजर आई है। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बयान जारी कर कहा है कि वो दोनों देशों के बीच विवाद को खत्म करने की पहल कर रहे हैं। Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. इस विवाद के पीछे नाटो संगठन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नाटो में जगह न मिल सके। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे। हालांकि नाटो ने रूस को भरोसा दिलाया है उससे उसको कोई खतरा नहीं है। आज तक ब्यूरो। कनाडा में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों और अनिवार्य वैक्सीनेशन के विरुद्ध ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी है। पिछले एक हफ्ते से ट्रक ड्राइवर्स टोरंटो की सड़कों पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी ट्रक चालक अनिवार्य वैक्सीनेशन और कोरोना प्रतिबंधों को तुरंत वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। कनाडा में कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन अनिवार्य किए जाने के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। पिछले एक हफ्ते से ट्रक ड्राइवर टोरंटो की सड़कों पर डटे हुए हैं और सरकार से अनिवार्य वैक्सीनेशन और कोरोना प्रतिबंधों को तुरंत वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां कितने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रक चालक देश में कोरोना वैक्सीन अनिवार्य किए जाने और लॉकडाउन का विरोध के साथ साथ अमेरिका की सीमा को पार करने के लिए जरूरी टीकाकरण का भी विरोध कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों ने अपने प्रदर्शन को फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया है। पिछले एक हफ्ते से जारी इस प्रदर्शन से पहले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक विवादित बयान देते हुए ट्रक वालों को महत्व नहीं रखने वाला अल्पसंख्यक करार दिया था। इससे भी ट्रक चालक बुरी तरह से भड़के हुए हैं। आलम यह है कि टोरंटो से जाने वाले रास्ते पर कई किलोमीटर ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं। इस आंदोलन में ट्रक चालकों को हजारों आम प्रदर्शनकारियों का भी साथ मिल रहा है, जो कोरोना प्रतिबंधों से गुस्साए हुए हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही।